तो एक बार देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बिना समझे हम किसी चीज के पक्ष में रहें कि विपक्ष में रहें, शादी करने के पक्ष में हों कि शादी करने के विपक्ष में हों, उसका कोई मीनिंग नहीं है। यदि उसकी जो एग्जिस्टेंशियल, उसकी जो नेचुरल जगह है, जब तक वहां नहीं पहुंचते, हर चीज नेचर में कोई नियम से है। यदि इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी नेचर किसी नियम से चल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हर जगह यूनिवर्सल है, लॉजिकल है ना, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारी जिंदगी में हमारी छोटी छोटी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। इसका इतना ही मतलब हुआ कि जो प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल उसका लॉ है, जो उसका नेचर का नियम है, उसको हम नहीं समझे हैं, सिर्फ इस बात की सूचना है। तो जैसे हमने चर्चा किया कि यदि शरीर में कोई भी दर्द होता है, तो वो दर्द हमको दुखी करने के लिए आया है कि मात्र ये बताने के लिए आया है कि भाई तुम्हारा इस पे ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, वो हमको दुखी करने आया है, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी जिंदगी में कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी तरह का आचरण करता है, उससे मैं दुखी होता हूं, तो इसका इतना ही मतलब है कि ध्यान देने की जरूरत है कि मैं दुखी क्यों हो रहा। दूसरे ने गलती किया वो उसकी समझ में कमी के कारण, दूसरे ने गलती किया वो उसकी समझ में कारण, वो किसी नियम को नहीं समझता है। लेकिन उसके गलती करने से मैं दुखी होता हूं, अब दोनों में भेद है। तो एक व्यक्ति गलती करेगा, सभी उससे समान रूप से दुखी होंगे? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि मैं उस दुख के कारण सुसाइड भी कर सकता हूं और मैं उससे हंस के भी निकल सकता हूं। तो यदि स्वयं के प्रति विश्वास है, यदि मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण है, तो अलग नियम काम करता है, और यदि मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण नहीं है, तो घटना अलग तरह से घटती है। कैसे? तो यदि मेरे मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण है, तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। और यदि मुझ में विश्वास में कमी है, मैं अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता, अपने मानव होने को नहीं पहचानता, है ना, तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित हो जाना ही मेरी अयोग्यता है, और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है। तो दूसरा उसकी समझ में कमी के कारण गलती कर सकता है, लेकिन मेरा उस गलती से प्रभावित होना ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझ में विश्वास की कमी है कि नहीं। यदि मैं नेगेटिवली प्रभावित हो गया, इसका मतलब ये किस बात की सूचना है? कि मुझ में विश्वास की कमी है, मैं अपने होने को, अपनी जिंदगी को नहीं समझता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम घटनाएं, मेरी जिंदगी के आसपास घटने वाली तमाम घटनाएं मेरे लिए आईना है, मेरी जिंदगी की सूरत को पहचानने के लिए कि मेरी जिंदगी की सूरत कितनी स्वस्थ है और मेरी जिंदगी की सूरत और सीरत कितनी बीमार है। बढ़िया। एक तरीका है कि मैं ये ले सकता हूं कि सामने वाला मेरे को दुखी कर रहा है। दूसरा, यदि मेरी आंखें खुली हैं, यदि मुझ में स्वयं के प्रति विश्वास है, तो मैं देख सकता हूं कि सामने वाला ये गलती कर रहा है, वो ऐसा नेगेटिवली सोच रहा है, उसकी मानसिकता में ये प्रॉब्लम है, उसकी मानसिकता में विश्वास की कमी है, मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा हूं, ये भी मुझको दिखाई दे रहा है। इसलिए क्षमा की बहुत अच्छी परिभाषा है, अप्रभावित रहना ही क्षमा है। अप्रभावित, आप प्रभावित होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो? नहीं होना चाहते है ना, चाहत तो मेरी यही है, और ये एक व्यक्ति की चाहत है कि सभी की चाहत है?
सभी के चाहत है, इसका मतलब है मेरा प्रभावित हो जाना, नेगेटिवली प्रभावित हो जाना मेरे अधूरेपन की सूचना है, और मेरा नेगेटिवली प्रभावित ना हो पाना मेरी पूर्णता की सूचना है। तो हर सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए आईना है अपनी जिंदगी को देखने के लिए, अपनी सूरत को देखने के लिए, अपनी समझ को देखने के लिए, अपनी मानसिक स्थिरता को जांचने के लिए। तो मुझको जिंदगी भर अस्थिर रहना है कि स्थिर होना है? मुझको अस्थिर रहना है कि स्थिर होना है? मेरे को स्थिर होना है, ये पता कैसे चलेगा मैं अस्थिर हूं? ना एक छोटा बच्चा कैसे शुरू करता है, एक छोटा बच्चा माँ से पैदा होता है, पहली बार वो माँ से दूध पीता है, तो आपने देखा होगा छोटा बच्चा हर चीज उठा के मुंह की ओर ले जाता है, क्योंकि उसको एक ही चीज का पता है कि मुंह से कोई चीज का स्वाद आता है, उसको एक ही चीज का पता है। फिर धीरे से कभी उसका हाथ जल जाता है तो उसके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कभी गिरता है तो उसके पास ऊंचाई नीचाई की इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना। तो इसका मतलब है कि उसके पास एक एक इन्फॉर्मेशन आती है, फिर उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो बिहेव करना शुरू कर देता है। तो यदि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है कि मैं दूसरों से किस तरह से प्रभावित होता हूँ, नेगेटिवली प्रभावित होता हूँ, तो मैं फिर क्या करूँ कि मैं कल प्रभावित नहीं होऊंगा? तो मेरे को जिंदगी में तो शरीर की आवश्यकता के लिए हमने बहुत कुछ किया है, रोटी कपड़ा मकान का बहुत जुगाड़ किया है ना। तीन पीढ़ियों ने बहुत ही गरीबी देखी थी, तीन पीढ़ियों पहले हम सब ने बहुत ही गरीबी देख के आए। आज तीन पीढ़ियों ने मेहनत किया, हमारे बच्चों ने बहुत ही गरीबी नहीं देखी, ठीक? तो क्या हुआ, तीन पीढ़ियों ने मेहनत किया, बहुत ही गरीबी से मुक्ति हुई, लेकिन मानसिक गरीबी, ये मानसिक गरीबी से अभी हमको मुक्ति नहीं मिली है। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना मानसिक गरीबी है। इस गरीबी से मुक्ति पाना है कि इस गरीबी के ऊपर रोना है? इस गरीबी से मुक्ति पाना है, इसका मतलब मेरी जिंदगी में आने वाली तमाम घटनाएं मेरे को प्रकृति की ओर से, अस्तित्व की ओर से एक लेसन है कि देखो ये लेसन तुम्हारा बचा हुआ है, इस लेसन के हिसाब से अपने भीतर अपने अधूरेपन को देखो, उसके ऊपर काम करो और उससे मुक्त होकर खुशी मनाओ कि जैसे मेहनत करके हम भौतिक गरीबी से मुक्त हो गए, ऐसे ही हम मानसिक गरीबी से भी मुक्त हो जाएंगे। तो बच्चों की तरह मेरे अनुसार घटनाएं घटें, मेरे अनुसार घटनाएं घटें कि मेरे उद्धार के लिए घटनाएं घटें? मैं तो बच्चा हूं, मेरे अनुसार घटनाएं मांगता हूं, तो मेरे अनुसार, क्योंकि मैं तो अपनी जिंदगी अपनी नियति को नहीं समझता हूँ, तो मैं मेरी नियति को नहीं समझता हूँ, मैं मुझे जो मांगता हूँ वो बच्चों की तरह से मांगता हूँ। यदि बच्चों की तरह नियति मेरे को वो देती है जो मेरे लिए जरूरी है, मैं वो मांगता हूँ जो मेरे शरीर के लिए जरूरी है, जिसमें मेरा विकास ना हो, मेरे को मुश्किलें फेस ना करनी पड़े, मेरे को कठिनाइयों से सामना ना हो, मेरे को हमेशा मेरी अनुकूलता बनी रहे। यदि हमेशा आपकी अनुकूलता बनी रहेगी तो आप आगे बढ़ोगे कि वहीं खड़े रहोगे? वहीं खड़े रहेंगे, है ना। इंग्लिश में वो बहुत अच्छी कहावत है, बोले एवरीवन राइजेस टू हिज लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, हर व्यक्ति अपनी अक्षमता के स्तर तक ऊपर उठता है। जहां वो अक्षम हो जाता है, कॉम्पिटेंट नहीं होता है, उसके आगे की प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए हमेशा चाहते हैं कि उसके नीचे का प्रॉब्लम मेरे को दे। तो मेरे को 2+2=4 आता है, तो मैं कहता हूं बस मेरे को 2+2=4 के आगे कुछ मत देना। क्या लगता है, ये चलेगा? यदि ऐसा ही मिलेगा तो जिंदगी में विकास होगा? तो मैं हमेशा समस्याओं से भाग जाऊंगा, मैं शादी से भाग जाऊंगा, मैं बच्चों से भाग जाऊंगा, मैं समाज की जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगा, है ना। हमेशा मेरे अनुकूल जिंदगी चाहूंगा, मेरे अनुकूल पति मिल जाए, मेरे अनुकूल घर मिल जाए, मैं जो सोचूं वही ठीक है, मैं जो सोचूं वही ठीक है कि जिंदगी ने जो दिया वो ठीक है, और उसमें कैसे पाथ लगूंगा उसके लिए काम करूंगा। तो पहला काम, अपनी मिली परिस्थितियों को नकारने का मतलब है अस्तित्व को नकारना,
आपको वही मिला है जो लेसन आपके लिए जरूरी था। तो अच्छी शादी मिलना, बुरी शादी मिलना कोई खास बात नहीं है जिंदगी में। अच्छी घटनाएं घटना है ना, बुरी है ना। मैं जिंदगी में जितने से गुजर के आया हूं, बाद में सोचता हूं कि मैं उससे नहीं गुजरा होता तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो मेरे को अभी आया है। आदमी जिंदगी में डेवलप कब होता है, जब अनुकूल घटनाएं घटती हैं कि प्रतिकूल घटती है। अनुकूल घटनाएं घटने का मतलब है कि बच्चों की तरह से पैम्पर करते रहना। जब प्रतिकूल घटनाएं घटनी है तो हमको अपने पोटेंशियल का पता चलता है, अपने भीतर उस क्षमता का पता चलता है जो हम जिसको हमको आज तक पता ही नहीं था। तो बच्चों की तरह खुद को ना बनाया जाए। हम बड़े हो गए हैं, अस्तित्व पे भरोसा किया जाए। ये अस्तित्व किसी नियम के साथ चलता है, तो जो भी घटनाक्रम मेरे साथ बन रहा है, जो भी परिस्थितियां मेरे साथ बन रही हैं, वो मेरी मानसिकता के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे लिए गिवन सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है जो एग्जिस्टेंस ने मुझको दिया है। उसको विरोध करूं कि उसको स्वीकार? नहीं, तुम्हारे वाला क्वेश्चन पेपर अच्छा है, मेरे को तो तुम्हारे वाला क्वेश्चन पेपर चाहिए। हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है यहां, हर एक की जिंदगी अलग है, उसका क्वेश्चन पेपर अलग है। जिसको जो क्वेश्चन पेपर मिला है, पहला काम है उसको स्वीकारा जाए, फिर दूसरा है पूरी ताकत के साथ उसको अटेम्प्ट किया जाए। जितनी सफलता मिलेगी और जितनी नहीं मिलेगी, दोनों ही मेरे लिए उपलब्धि है। क्योंकि जितनी सफलता मिलेगी वो मेरे लिए इस बात का भरोसा है कि मेरे पास कोई क्षमता है, और जितना सॉल्व नहीं कर पाऊंगा वो मेरे को पता चलेगा कि मेरे को कहां मेरी क्षमता को विकसित करना है। दोनों आवश्यक है कि नहीं? कहां मुझको अपनी क्षमताओं को विकसित करना है, इसका नाम असफलता है। कहां मेरी क्षमताएं विकसित है, इसका नाम सफलता है। दोनों ही अंततः सफलता है। कैसा बात पहुंच रही? कौन बोल के बताएगा? क्या बोला मैंने? कौन बोल के बताएगा? कौन बोलेगा? माइक। मैं दुखों का आना दुखी करने के लिए नहीं है, मात्र ये सूचना है कि कमी कहाँ है, गैप्स कहाँ है और उसको कहाँ भरा जाए। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही योग्यता है। दूसरा अपनी गलती गलती समझ के, गलत समझ के चलते गलत हो सकता है। अगर हम नेगेटिवली प्रभावित हुए उसका मतलब हमें हम में विश्वास की कमी है, मानसिक गरीबी है। उससे अप्रभावित रहना ही क्षमा है, नेगेटिवली प्रभावित होना ही अपूर्णता है। नेगेटिवली प्रभावित होना ही अपूर्णता है, अपूर्णता है। अब हाँ, अपूर्णता गुजराती। कोई नहीं। बढ़िया। घटना हमारे जिंदगी में बनती, हर घटना हमारे हाथ में नहीं होती है। घटना कोई भी जो घटती है वो हमारे लिए ही घटती है, जो हमें लेसन सिखाने के लिए ही घटती है। तो सबसे पहला काम है उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको अटेम्प्ट किया जाए, तो हमें हमारी क्षमता पता पड़ेगी। क्षमता पता पड़ेगी तो अगर पॉसिबिलिटी है कुछ उसमें विकास हो सकता है तो हम विकास कर पाएंगे। मंथन जानी फ्रॉम भावनगर। सर, अभी आपने जो बोला और जो मैडम ने बोला, तो उनको ऐसा कहा जा सकता है इन पूरी बात को कि जो स्वीकार की भूमिका है वो वहाँ उच्च कक्षा पे है, इनका ये तात्पर्य निकाला जा सकता है क्या? क्या जो जैसा है, आपने जैसे बोला कि अपूर्णता है किसी में, अयोग्यता है, तो उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनसे हम प्रभावित हाँ, नहीं होते हैं। मतलब पहला काम ये है कि मान लो पति पत्नी संबंध की बात करें, तो ना तो हम अभी पूर्ण हैं और सामने वाले से हम पूर्णता की अपेक्षा करते हैं। तो यदि मैं एक व्यक्ति के रूप में देखूं तो क्या मुझको अपने गैप्स देखने आते हैं? अभी हमको अपने गैप नहीं दिखते हैं, हमको सामने वाले के गैप दिखाई देते हैं और सामने वाला हमारे गैप देखता है।
जब सामने वाला मेरे गैप देखता है, मैं सामने वाले के गैप देखता हूँ, वो मेरे को ठीक करना चाहता है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ, मैं उसकी गलती बताता हूँ, वो मेरी गलती बताता है, ना मुझको ठीक होना है क्योंकि मुझको लगता ही नहीं कि गैप है, मुझको लगता है गैप तुम्हारा है। तो इस तरह से दोनों का संबंध नजदीक आएगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा। और यही हो रहा है, जिंदगी भर हम एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस में संबंध ही दूर हो रहा है और ठीक कोई नहीं हो रहा है। अब उसमें जो भी कमियां हैं और मुझ में भी कोई कमियां हैं, हम दोनों मिलके अपनी कमियों को पूरा कैसे करें, ये साथ साथ होने का मतलब है। तो यदि ये तय हो जाएगा कि दोनों अपनी कमियों को पूरा कैसे करें और मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, तो मैं दूसरे की गलतियां बताने की बजाय उसको सपोर्ट करूंगा, वो मेरी गलतियां बताने की बजाय मुझको सपोर्ट करेगा, मैं भी अपने में पूर्णता चाहता हूँ, वो भी अपने में पूर्णता चाहता है। ये कब हो पाएगा? जब मेरे पास वो एग्जिस्टेंशियल कैनवस उपलब्ध है, प्रकृति का वो आईना उपलब्ध है, जिसमें कि मैं हम दोनों मिलके अपनी पूर्णता देख सकते हैं और अपनी जर्नी को सफल कर सकते हैं। मैं मेरी कंडीशनिंग के हिसाब से चाहूंगा कि मेरे को तो इस साइज का हस्बैंड चाहिए था, जैसा दुकान में सामान खरीदने जाते हैं ना, तो लड़के को भी लगता है मेरे को तो इस साइज की चाहिए। ये तो हमने तो अभी रूप रंग और शरीर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, आदमी तक कहाँ जाएंगे। तो यदि हमारी वो क्लैरिटी बनती है, तो एक बार फिर वो मानव के बारे में पूरी क्लैरिटी बनती है, अपनी पूर्णता के बारे में क्लैरिटी बनती है, अपूर्णता की यात्रा पूर्णता में कैसे बदलना है। देखो, मात्र पिछले 2-3 पीढ़ियों ने जिस तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग हमारे बीच में आई है, उससे हमने अपनी भौतिक गरीबी से मुक्त किया है। ये हमने प्रयास मिलके किया है, ये किसी एक फैमिली का प्रयास नहीं है, हजारों लाखों फैमिली से एक साथ मिलके, है ना, किसी ने कुछ डेवलप किया, किसी ने कुछ डेवलप किया, यूज तो सबने किया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इसका मतलब यदि अभी हमको ये मानसिक गरीबी वाला पार्ट दिखता है कि इतने तमाम साधन होने के बावजूद कभी हमको लगता था कि घर अच्छा हो जाएगा, जिंदगी बेहतर हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, बेहतर हो जाएगा, है ना, और बच्चे फॉरेन में सेटल हो जाएंगे, और यूं त्यों यार ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने जितना सोचा नहीं था उतना पैसा उनके पास आया है, बच्चे जैसे चाहते थे उससे ज्यादा अच्छे सेटल हो गए हैं, फिर भी हम सेटल नहीं हुए हैं मानसिक रूप से। इसका मतलब ये यात्रा विशेष है। तो भौतिकता की यात्रा एक लेवल पे पूरा करने के बाद में अब निष्कर्ष ये आ रहा है कि भौतिकता की यात्रा है, ये मानसिक यात्रा अलग दुनिया है, इसको समझे बिना इस दुनिया को हैंडल नहीं किया जा सकता। तो अब हम फिर से एक बार एक नई यात्रा को शुरू कर रहे हैं कि हाँ, इस मानसिकता की यात्रा को कैसे हैंडल किया जाए। तो प्रॉब्लम सामने वाले व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम मेरी है कि मैं उस घटना से प्रभावित होता हूं नंबर एक, और मैं उस घटना को हैंडल नहीं कर पाता हूं नंबर दो, मेरी अपने गैप्स को देख के मेरी पूर्णता की यात्रा नहीं चल रही है नंबर तीन। जब मेरी पूर्णता की यात्रा चल रही होती है और मैं उसमें से खुश होता हूं, तो दूसरे के गैप्स मुझको प्रभावित नहीं करते हैं, उसको मैं फिर पॉजिटिवली ले पाता हूं। तो ये जो माइंडसेट अपने में क्रिएट करना है, ये माइंडसेट एक बार मानव अपने सामने पूरा आ जाए तो हम धीरे धीरे उसको क्रिएट करेंगे, लेकिन पहले एक दृष्टि आ जाए तो उस पर आगे बढ़ेंगे। जी बढ़िया, माइक थोड़ा पास। हाँ, तो ये कैसा है कि जब तक कई बार ऐसा होता है लाइफ के जो स्ट्रगल में ऐसा होता है कि भौतिक ही पूरा नहीं होता, तो मानसिक में स्टेबिलिटी नहीं आती, कि हम लोग मानसिक सोच ही नहीं पाते कि भाई हमको ये करना है, हमको भी लगता है कि ये ऐसे विचार और ये सब अच्छा है, पर आगे का जो प्रोसेस है, जैसे भौतिक में कई चीज जो स्टेबिलिटी होती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कई बार कैसा होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती आप में, तो उसके कारण ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितना पैसा होने को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी माना जाए, तो फाइनली भाव और विचार की स्टेबिलिटी ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट करती है, नहीं तो कितना भी अरब हो जाए वो मानसिक गरीबी किसी से कंपैरिजन के आधार पे बनी ही रहेगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बिना भाव और विचार में स्टेबिलिटी के नहीं आती, उसको चर्चा करें। ये भी जो प्रॉब्लम्स कई बार जो आते हैं, सिचुएशन आती है, तो कई बार कैसे होती है, पर्सनल सिचुएशन नहीं होती, एक्सटर्नल सिचुएशन भी आपको अफेक्ट करती है, तो हाँ, उसको कैसे एक्सेप्ट करें, तो ये एक्सटर्नली ऐसा हो गया, जैसे कोविड है, एक्सटर्नली ऐसा हो गया कि जो आपके हाथ में है किसी के हाथ में नहीं। बिल्कुल, तो घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है, घटनाओं से कितना प्रभावित, कोविड में सभी एक जैसा प्रभावित हुए, कोई तो डर के मारे ही मर गए, और कोई बिल्कुल पेशेंट्स के बीच में रह के प्रभावित नहीं हुए और वो ठीक ठाक भी निकल गए। तो इसका मतलब है कि किसी प्रॉब्लम का आना एक बात है,
उस प्रॉब्लम से कितना भयभीत होना है ये दूसरी बात है। इसका मतलब है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करता है किसी प्रॉब्लम को मैं कैसे लूंगा, तो किसी प्रॉब्लम को मैं कैसे हैंडल करता हूँ वो मेरे स्टेट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है। फिर चाहे मेरी आर्थिक स्थितियाँ हैं, चाहे मेरी सामाजिक स्थितियाँ हैं, चाहे कोई बीमारी वाली स्थिति है, हर चीज़ को हैंडल करने वाली मेरी मानसिक स्थिति ही है। और यदि मेरी मानसिक स्थिति को मैंने ठीक से हैंडल नहीं किया है, हर जगह में मैं ओवरबर्डन रहता हूँ, प्रेशराइज रहता हूँ और दबाव में रहता हूँ। तो हमने बाहरी चीज़ों को बेहतर करने के लिए कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन ये माइंडसेट को बेहतर करने के लिए कोई डायरेक्ट टूल हमारे पास नहीं था। तो अभी एक डायरेक्ट टूल हमारे पास है, इसको प्रयोग करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल मदर इन लॉ ने किया कि नन्ना के दिन, ईच एंड एवरी टाइम खुद को इस तरीके से उनका माइंडसेट लेकर जाना कि मेरी गलती की वजह से दुखी हूँ वो, या बहुत आपको यदि भाई जैसे आप उसको छोड़ दो, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई आपसे कहे कि 2+2 हमारे यहाँ तो 5 होता है, तो आपको कैसा लगे? आप उससे प्रभावित होंगे? नहीं। आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नहीं पड़ता है, बस इतना ही होता है। जब हम किसी इवॉल्व स्टेट ऑफ माइंड के साथ होते हैं तो दूसरे का कहा सुने से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम हो रहे हैं इसका मतलब हम अभी इवॉल्व नहीं है, हमको अपने पे काम करना है, इसका केवल इतना ही मतलब है और कोई मतलब नहीं। कोई आपसे कहे कि हमारे यहाँ तो कैंपा कोला पी के प्यास बुझती, आप प्रभावित होते नहीं। तो इसका मतलब है कि समझ है तो गलती नहीं है, गलती है तो समझ नहीं। जिस मामले में हमारी समझ बन गई है, जिस मामले में हमारी क्लैरिटी है, उसमें हमको दूसरा कुछ भी कहे उसमें शंका पैदा नहीं होती है। अभी हमको अपने बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है तो कह देता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तो लगता है मैं अच्छी हूँ। किसको कहता है तुमको कोई अकल नहीं है और तुम्हारा खानदान भी ऐसे है, तो ऐसा लगता है खानदान को बोल दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया, पेरेंट्स को क्या बोलेगा ये उसकी चॉइस है। उससे मैं प्रभावित होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड पे निर्भर करता है। वो केवल मेरे को आईना दिखा गया, अब आईने में मेरे को अपनी शक्ल दिख गई, तो मेरे को करना ये था कि अपनी शक्ल ठीक करनी थी। अब मैं आईने को ढूंढ रहा हूँ मैं कब उसको फोड़ूंगा, कभी तो मेरा दिन आएगा, मैं तो मुँह की मुँह में सुना देती हूँ, है ना, और मैंने तो सुना दिया था, मैंने तो बता दिया था, ठीक है, और कोई किसी का नहीं है, कुछ भी कर सकते। प्रैक्टिकली कैसे? प्रैक्टिकली वही है जो मैं कह रहा हूँ, उतना ही है, उतना ही है। कोई आपको आके बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ देसी गाय का घी से प्यास बुझती है, सौराष्ट्र में देसी गाय का घी बहुत, तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? पर ठीक है तो उससे बढ़ाओ। तो जिस मामले में हम कंफ्यूज नहीं हैं, जिस मामले में हमारी क्लैरिटी है, उस मामले में हम प्रभावित नहीं होते हैं। जिस मामले में हम प्रभावित होते हैं इसका मतलब उस मामले में हमारी क्लैरिटी नहीं है। इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है, ना कम ना ज्यादा, खत्म। माइक। तो अभी जैसे मैम ने बोला कि ये सिचुएशन हो जाती है तो उसपे गुस्सा आ जाता है, ये सिचुएशन होती है तो हम हमेशा हम ही क्यों समझें? बट सर आपको नहीं लगता कि जो हमारे इमोशंस हैं जैसे गुस्सा आना या रोना या चिल्लाना या हंसना, जो भी अलग अलग हमारे इमोशंस हैं, वो भी तो नेचुरल है ना, वो भी तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर बॉडी। आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, गुस्सा स्वाभाविक है कि नहीं? गुस्सा स्वाभाविक है कि नहीं? हाथ उठाओ। ठीक, स्वाभाविक क्या होता है? जो भाव हमको स्वीकार होता है वो स्वभाव होता है, जो भाव स्वीकार होता है वो स्वभाव होता है। गुस्सा हमको स्वीकार होता है, जिस पे करते हैं उसको स्वीकार होता है, करने के बाद दोनों को स्वीकार होता है। गुस्सा स्वाभाविक चीज है कि अस्वाभाविक चीज है? तो जिसको हम स्वाभाविक कह रहे हैं, हमने सारे खटारा आदमी का अध्ययन किया, सारे खटारा आदमी को गुस्सा आता है और हमने कहा कि गुस्सा तो स्वाभाविक होता है। तो गुस्सा स्वाभाविक इमोशन नहीं है, ईर्ष्या द्वेष स्वाभाविक इमोशन नहीं है,
है ना, ये हमको खुद को स्वीकार नहीं है। सर गुस्सा आना स्वाभाविक नहीं है, गुस्से का एक्सप्रेशन स्वाभाविक, दोनों ही अस्वाभाविक है। पर अगर कोई नेचुरली कोई चीज आ रही है, नेचुरली नहीं होता, नेचर को समझते तो नेचर तो नेचुरली का पता चलता। अभी तुम जो नेचर डिफाइन कर लोगे वो थोड़ी नेचुरल हो जाएगा, ऐसा है, इसलिए इतने जोर से बोलता हूँ। जिंदगी को हमने जैसा समझा है वैसा जिंदगी है ही नहीं, शाम तक पता चल जाएगा, शाम तक अपना हाल पता चल जाएगा, और पहली बार पता चल जाएगा कि ऐसा भी आईना हो सकता है जिंदगी का, और वहां से एक नई जिंदगी कल सुबह से शुरू हो। ठीक हो गया? तो जितने भी नेगेटिव इमोशन जिसको हम बोलते हैं वो सभी अननेचुरल है। इनसिक्योरिटी आदमी में नेचुरल है कि अननेचुरल है? इनसिक्योरिटी है, नेचुरल है, नेचुरल है तो घूमो उसके साथ। इनसिक्योरिटी से हम मुक्त होना चाहते हैं कि इनसिक्योरिटी के साथ जीना चाहते हैं? सभी मुक्त होना चाहते हैं कि कोई कोई मुक्त होना चाहता है? भय से मुक्त होना चाहते हैं कि भय के साथ जीना चाहते हैं? गुस्से से मुक्त होना चाहते हैं कि गुस्से के साथ जीना चाहते हैं? डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं कि डिप्रेशन के साथ जीना चाहते हैं? तो जितनी भी नेगेटिविटी है सब अननेचुरल है। नेचुरल क्या है? जो सबको स्वीकार है, हमेशा स्वीकार है, सभी को स्वीकार है। सम्मान के साथ जीना सभी को स्वीकार है तो सम्मान नेचुरल है। पहचान के साथ जीना सभी को स्वीकार है, पहचान नेचुरल है ना। भय से मुक्त होकर जीना सभी को स्वीकार है, ये नेचुरल है। जो हमेशा हमेशा के लिए सभी को स्वीकार है वो नेचुरल है, जो हमेशा हमेशा के लिए सभी को अस्वीकार है वो अननेचुरल है। कैसा रहेगा? हाँ, अब मैं नेचुरल, तो अभी मैं नेचुरल हूं कि अननेचुरल हूं? सारी अननेचुरल है इसलिए सब अपने आप को नेचुरल मानते हैं, उसको देखेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि मैं नेचुरल हो जाऊं, और यह बात बिल्कुल ठीक है, नेचर में जितनी भी नेचुरल एंटिटी है सबका एक नेचुरल बिहेवियर है। नेचुरल बिहेवियर का मतलब है कि उसमें ना कोई इंटरनल कंफ्लिक्ट है ना कोई बाह्य कंफ्लिक्ट है। आम में अंदर कोई कंफ्लिक्ट है? आम का बाहर में कोई नेचर में कंफ्लिक्ट है? आम में ना कोई अंदर कंफ्लिक्ट है ना बाहर कंफ्लिक्ट है, ना नींबू में कंफ्लिक्ट है, ना लोहे में कंफ्लिक्ट है, ना एल्यूमिनियम में कंफ्लिक्ट है, ना चांद में कंफ्लिक्ट है, ना मून में कंफ्लिक्ट है। मानव में इंटरनल कंफ्लिक्ट भी है और एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट भी है। अपनों से दुख पाया, जम के पाया, जबकि दुख देना चाहते हैं क्या हम? अपनों को दुख देना चाहते हैं? हमारे अपने भी हमको दुख देना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। इसका मतलब इतना ही है, जितनी भी प्रकार की नेगेटिविटी विश्व में है, एक व्यक्ति में है कि पूरे मानव जाति में है, यदि हम हमेशा उसके साथ में जीना चाहते हैं तो वो नेचुरल है। जिस चीज के साथ हम में से कोई भी जीना नहीं चाहता है वो अननेचुरल है। बस ये एक पहचानने का तरीका है। ऐसे कैसे हो जाए उसके लिए चर्चा करेंगे। हाँ जी, तो कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे? तो फाइनली हमने चर्चा किया कि मेरा भाव और विचार, तो स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है, स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है कि ये मानव समस्या की फैक्ट्री होगा कि समाधान की फैक्ट्री होगा? तो ये मानव समाधान का फैक्ट्री होगा, है ना? समाधान संपन्न होगा, समझण संपन्न होगा, है ना? शिकायत मुक्त होगा, उसी का नाम शिकायत मुक्त है। ऐसा मानव होगा तो इसका मतलब है कि इसका भाव और विचार कैसा होगा, इसका भाव और विचार कैसा होगा? थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाओ। इसका भाव और विचार कैसा होगा, कैसा होगा इसका भाव और विचार कैसा होगा, है ना? स्टेबल होगा। कैसा होगा? हमेशा के लिए सुखदायी होगा, हमेशा सुखदायी होगा। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए, है ना? ये नेचुरल है,
जो हम सभी चाहते हैं, धरती के सभी मानव चाहते हैं, वो नेचुरल है, तो मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए, है ना। ऐसा मानव समाधान से संपन्न होगा, ऐसा मानव शिकायत मुक्त होगा, है ना, वो सॉल्यूशन के साथ होगा। इसका मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास होगा। संबंध के प्रति विश्वास होगा, इसका क्या मतलब होगा? तो संबंध कैसा होगा? तो संबंध कैसा होगा? तो संबंध शिकायत मुक्त होगा। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे संबंध शिकायत मुक्त हो? ये नेचुरल है। पहला काम है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसको आप सुन पाए। तो बिल्कुल अपने घर वापस आ जाइए जब शादी नहीं हुई थी, और आप उस समय में खड़े होकर सुनिए जब आप अनमैरिड थे और जब आप स्कूल जाते थे, है ना, जहां तक समस्याएं नहीं शुरू हुई थी, उस पॉइंट पे खड़े होकर सुने। उस पॉइंट पे खड़े होकर सुनेंगे तो आप सुन पाएंगे, एक मानव के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। अभी की जो स्थितियाँ हैं जिसमें मेल डोमिनेशन है और तमाम तरह की दुर्घटनाएं हमारी जिंदगी में घटी हैं, जब मैं कुछ भी कहता रहता हूँ वो सब आपके चित्त में चलता रहता है। वो चित्त में चलता रहेगा तो सुनना नहीं हो पाएगा, सुनना नहीं हो पाएगा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? हमारे पास गिनती के 5 दिन है। क्या बोले? मैं जो बोला आप तक पहुंचा? क्या हम अपने जो भी कितनी भी गंभीर आपकी समस्या क्यों ना हो, आपका कल डिवोर्स होने वाला है, इससे ज्यादा और क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 5 दिन है ना, 5 दिन बाद डिवोर्स होगा, तो 5 दिन बाद देख लेंगे। तो जितनी भी आपकी समस्या है, यदि एक काम कर सकें कि उसको उठा के मजू में रख दें। और शादी की समस्याएं हैं तो अनमैरिड होके सुने। क्या करूं मैं भी और क्या करूं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इसके सिवा। तो पहला काम है आप सुन पाए। जी बोलिए बोलिए। सिंपली आई वांट टू से दैट सर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स आर सच दैट दे आर नॉट इन आवर हैंड्स इवन टू। मैं समझता हूं, बात बिल्कुल ठीक है आपकी, घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी आदमी घटनाओं से बड़ा हो सकता है। 3 things आर देयर, कंपैरिजन, जेलसी एंड विल पावर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। ये सिंपल है, ये हो जाएगा। और बोलो, ये हो जाएगा। हाँ, सुन पाए तो। मैं ऐसे ऐसे केसेस को शिविर में देखता हूँ जितनी विपरीत परिस्थितियों की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतने से आदमी गुजर के आया है और उसके बाद कहता है कि और आने दे, जितनी समस्या आएगी मैं देख लूंगा। एक मात्र 18 साल, 19 साल, 20 साल। तो क्या आदमी की ताकत हो सकती है? ये आदमी के भीतर ये सोचने समझने वाली ताकत अनलिमिटेड है। इस ताकत को अभी हमने कभी ठीक से नहीं देखा है, इसका प्रयोग नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, परंपरा में भी ऐसे कहा गया है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को देख के दुखी हो रहे होते हो तो भाई अब दूसरों की प्रॉब्लम देख लो यार, वो तो आपसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे होते हैं। तो खैर, ऐसा कह के उसका कोई सोल्यूशन तो नहीं निकलता है, लेकिन एक बार कम से कम अपनी प्रॉब्लम के साथ उभरने की हिम्मत हमारी आ जाए, उसमें कोई रास्ता निकलने की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है, और हम में से जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है उसका पूरा प्रभाव उसकी मानसिकता पे उसके दबाव के साथ में बना ही रहता है। ऐसे में उससे उभर के खुली हवा में सांस लेके कुछ नया सोच पाना बहुत आसान नहीं होता है। फिर भी इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि एक बार हम फ्रेश, है ना, दोबारा फ्रेश रिफ्रेश मार के कंप्यूटर में रिफ्रेश मार के फिर से एक बार कोशिश करते हैं कि ये 5 दिनों में बोर्ड के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। यदि आप बोर्ड के साथ साथ चल पाते हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ कि कम से कम 5 दिन में आप कितने भी सीरियस समस्याओं के साथ हैं, एक आशा की किरण दिख जाएगी कि चीज़ें हैंडल हो सकती हैं। जो निराशा है ना, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलता है, संसार ऐसे ही है, इसकी बजाय चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, कोई समय लगेगा लेकिन कोई रास्ता है, कुछ हो सकता है, ऐसी आशा की किरण बन जाता है।
हाँ जी, मैंने कहा था वो आपने किया। हाँ, स्वयं के प्रति विश्वास, ये अभिव्यक्ति का मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास में होता है। इसको कोई किसी के पास पहुंच रहा है यहाँ कि ऐसा हो सकता है? कौन बोलेगा? माइक। अगर स्वयं पर विश्वास होगा तो हम किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, और हम उस व्यक्ति से प्रभावित ना हो तो हमें उसके प्रति बुरे ख्याल ना नहीं आएंगे, और हम उसके बारे में कुछ गंदा नहीं सोचेंगे, हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा। वो रिलेट करता होगा ना सब उनके प्रति विश्वास के साथ। इसका मतलब है किसी घटना को हैंडल करने की पहली योग्यता है कि आप उससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए मेडिकल साइंस के कोड ऑफ कंडक्ट में भी ऐसा है कि कोई डॉक्टर अपने रिलेटिव का ऑपरेशन नहीं करेगा। ऑफिशियली है ये, डॉक्टर अपने किसी नियर एंड डियर को का ऑपरेशन नहीं करेगा, मेजर ऑपरेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऑपरेशन करते समय यदि वो इमोशनल हो जाता है तो प्रभावित होते ही उसकी एफिशिएंसी या उसकी डिलीवरी पे फर्क पड़ेगा, जिससे कि पेशेंट को खतरा हो सकता है। तो कभी कभी हमको लगता है कि ये डॉक्टर इतना इनह्यूमन क्यों है, तो उसका इनह्यूमन कहने की बजाय उसका प्रभावित ना होना एक आवश्यक भाग है कि वो पेशेंट के साथ इमोशनली कनेक्ट ना हो, क्योंकि उसका दूसरा प्रभाव आ सकता है। मतलब एक प्रोफेशन के ढंग से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हमारे बीच की घटनाओं में यदि हम किसी से नेगेटिवली प्रभावित होते हैं तो हमारे मन में उसके लिए ख्याल कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। और यदि मेरे को आपके लिए नेगेटिव ख्याल आते हैं तो चाहे मैं बोलूं ना बोलूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा भाव, कोई ना कोई चीज़ आप तक पहुंच जाती है। कुछ लोगों से आप मिलते हो जिनके साथ मिलके आपको लगता है कि इसके साथ जिया जा सकता है, कुछ लोगों के साथ सारी ज़िंदगी रहते हो और आपको लगता है कि इसके साथ नहीं चला जा सकता। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के खुद के कुछ किसी व्यक्ति की जो मनःस्थिति है वो नहीं बोलने से भी हमको फील होती, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि एक व्यक्ति स्वयं के प्रति विश्वास के साथ है, उसका भाव और विचार पवित्र है, उसका भाव और विचार में वो ताकत है कि वो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होता है, तो आप भी ऐसा होना चाहेंगे कि नहीं होना चाहेंगे? और आप ऐसा होना चाहेंगे, चाहते हैं, तो आपके लिए सहयोगी हो ही सकता है, और आप भी होने ही लगते हैं, तो आप दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होगा? ठीक है, तो जब भी हम दो लोग ये महसूस करते हैं कि आपका मेरी जिंदगी में कोई योगदान है, मेरा आपकी जिंदगी में कोई योगदान है, जब भी हम एक दूसरे को एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसी का नाम रिलेशनशिप है, इसी का नाम साथ साथ मिलकर जीना है। तो यदि मैं स्वयं के प्रति विश्वास के साथ हूँ, दूसरे से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता हूँ, जैसे यहाँ पे समझदार आदमी की परिभाषा लिख सकते हैं, समझदार आदमी की परिभाषा लिखने पहले, स्वयं के प्रति विश्वास का मतलब है, एक समझदार मानव का परिभाषा क्या होगा? समझदार मानव का परिभाषा है स्वयं गलती नहीं करना, स्वयं गलती नहीं करना, नंबर एक। नंबर दो, दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहना। नंबर दो, दूसरों की गलतियों से अप्रभावित रहना। नंबर तीन, दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। ठीक कर देना नहीं होता है, दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना। दूसरा ठीक होना चाहता है तो सहयोग उपलब्ध कराना, दूसरा ठीक होना चाहता है तो सहयोग उपलब्ध कराना। और यदि कोई परिवार का ही है और ठीक होना भी नहीं चाहता है तो कैसे उसका ठीक होने का मन बने, उसके लिए कोई काम करना? तो परिवार का ही व्यक्ति है जिसके साथ हमको रोज जीना है ना। और यदि अपनी योग्यता कम पड़ती है तो थोड़ी सी दूरी बना के रखना और अपनी योग्यता इम्प्रूव करना। कि गामा पहलवान से लड़ने जाओगे तो मार ही खाओगे,
इससे अच्छा है पहले थोड़ी तेल मालिश करी जाए, दंड बैठक लगाई जाए, थोड़ा ताकत लाया जाए, तो अपने में समझदारी को लाया जाए, तब तक थोड़ी दूरी बना के रखी जाए ताकि अनावश्यक क्यों उलझा जाए, जिससे उलझने की हमारी अभी स्थिति नहीं है, थोड़ा अपने आप को बचा के रखा जाए। तो धीरे धीरे ये समीकरण हमको समझ में आते हैं, नहीं मैंने तो मुँह के मुँह पर सुना दी थी, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, मुँह के मुँह पर सुनाने से कोई सोल्यूशन नहीं निकल जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि मैं एक समझदार मानव हूँ तो स्वयं गलती नहीं करना, दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना, दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदलने के सामर्थ्य के साथ बने रहना, दूसरे के अपेक्षा होने से दूसरा भी ठीक होना चाहता है उसके लिए सहयोग उपलब्ध कराना, और कोई ठीक भी नहीं होना चाहता है तो ठीक होना चाहिए उसके लिए कैसे वातावरण बनाना। इसमें कोई विरोध है? इसमें कोई किसी का विरोध करेगा? इसमें विरोध के लिए जगह नहीं। अब इसमें हम जांच लें कि हम कहां खड़े हैं, मेरे भाव और विचार में गलती होती है कि नहीं होती है, है ना? गूगल अगले 5 साल में एक ऐसी चिप लाने वाला है जिसको कि आपके ब्रेन में लगा देंगे तो 2 मीटर के अंदर जितने लोग होंगे उनके विचार आपको सुनाई देने लगेंगे। आपने तो सुनाई देते ही हैं, आपने तो सुनाई देते ही हैं, लेकिन दूसरों के भी सुनाई देने लगेंगे तो ये दुनिया कैसी होगी? तो 5 साल बाद की दुनिया कैसी होगी है? कैसी होगी? 2 गज दूरी तो पदिया मेंटेन रहेगी है, कोविड नहीं होएगा। पहला फायदा ये होएगा कि 2 गज दूरी परमानेंटली, और हस्बैंड वाइफ एक कमरे में सोएंगे, 2 गज दूर ही रहेंगे, क्योंकि नहीं तो 2 गज के बीच में आ गए तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, तो 2 गज दूरी पे बने रहे हैं, तो 2 गज से कम दूरी में नहीं आएंगे ताकि 2 गज दूरी बनी रहे, तो कम से कम हस्बैंड वाइफ बने रहे। क्या लगता है हमारे भाव और विचार में 24 घंटे में कितने समय कोई अव्यवस्था का विचार, कोई अव्यवस्था का भाव आते रहता है? कितने समय चलता ही रहता है कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए। अच्छी बात है कि दूसरे को मेरे भाव और विचार का पता नहीं चलता है, नहीं तो दुनिया में जनसंख्या की प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, निपटा देंगे सब एक दूसरे को, है ना? तो मेरा ये भी कहना है कि जितने प्यार विश्वास और सम्मान के लायक हैं उतना प्यार विश्वास सम्मान हमको मिलता है कि उससे कम मिलता है? उतना मिलता है कि कम मिलता है? कितने लोगों को शिकायत है कि कम मिलता है, है ना? तो जिनको शिकायत है वो एक काम करें, जिन लोगों के बारे आपके जो विचार और उनके बारे जो इच्छाएं पैदा होती हैं उनको जाके बता दें तो आपको एक्चुअल सम्मान का पता चलेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब मूल बात ये नहीं है कि प्रॉब्लम सामने वाले में है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमने अपनों से दुख पाया कि अपने आप से ज्यादा पाया? कहने वाले ने तो एक बार कहा था, लेकिन मैंने उसको सोच सोच के कितनी बार अपने आप को दुख दिया है, है ना? तो इसका मतलब है ज्यादा दुख हमने अपने आप से पाया है। एक बार मेरे को अपनी सोच में अपने भाव और विचार की जो मशीन है, मेरे भीतर ये मशीन कहीं तो काम करती होगी जिसका डायरेक्ट फर्क मेरे सुख पे पड़ता है, तो इसका मतलब है ये भाव और विचार की मशीन अभी मेरे नियंत्रण में है कि दूसरा उसको नियंत्रित करता है? मेरे भाव और विचार की मशीन मेरे नियंत्रण में है कि दूसरा उसको नियंत्रित करता है? जोर से बोलो, दूसरा। तो मैं स्वतंत्र हूं कि गुलाम हूं? गुलाम आदमी और कैसा रहेगा? तो कोई भी उसको दुखी करके चल देता है, तो इसका मतलब है कि कोई भी मेरे को दुखी करके चल दे, ये अधिकार किसने दिया है? मैंने ये अधिकार मैंने ही दूसरों को दिया है। तुम कभी भी मुझको दुखी कर सकते हो क्योंकि मेरा भाव और विचार तो प्रभावित होने के लिए तैयार ही है। तो मेरा भाव और विचार यदि स्टेबल हो जाता है,
मैं एक स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को पा जाता हूँ, मैं एक पीस ऑफ माइंड को पा जाता हूँ। स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड को पा लेना ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरी मेहनत है। मेहनत करके जैसे हम भौतिक गरीबी से मुक्त हुए हैं, ऐसे ही हम मेहनत करके मानसिक गरीबी से भी मुक्त हो सकते हैं, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को हैंडल कर सकते हैं। अभी केवल भरोसा दिला रहा हूँ, ठीक, धीरे धीरे देखें कैसे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वयं के प्रति विश्वास का मैनिफेस्टेशन संबंध के प्रति विश्वास पे होता है। संबंध के प्रति विश्वास, स्वयं में तृप्ति हो गई और संबंध में तृप्ति हो गई तो परिवार में समृद्धि की जगह आ जाती है। परिवार में समृद्धि का मतलब है अभाव मुक्त परिवार। दुनिया के कितने परिवार ऐसा चाहते होंगे कि हमारा परिवार शिकायत मुक्त हो जाए, अभाव मुक्त हो जाए। दुनिया के कितने परिवार ऐसे होंगे जो ऐसा चाहते होंगे? ये नेचुरल है ना, ये नेचुरल है, जो सभी चाहते हैं वो नेचुरल है। और कितने परिवार ऐसे हैं, कितने परिवार ऐसे होंगे जो ये कह सकें कि हमारे परिवार में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं है और टाइम बचा हुआ है, क्या करें, क्या करें? तो हम लोग के पास क्या टाइम बचा हुआ है तो शिविर लगा लेते हैं, क्या करें है? हम लोग अटेंड कर लेते हैं। यही तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे, मिलके दुख बांट लेते हैं और क्या हो? तो दोस्तों सच्चाई यही है जहां से हमने बात को शुरू किया था। क्या ये धरती के किसी भी मानव को स्वीकार होगा कि हमारी सामर्थ्य इतनी भी नहीं है कि हम अपने परिवार की आवश्यकता पूरी कर सकें? क्या ये किसी को स्वीकार होगा? ये स्वीकार ही नहीं होता। क्या स्वीकार होता है? यही स्वीकार होता है कि हम अपने परिवार के लिए भी समर्थ हो जाए और दूसरे परिवारों के लिए सहयोगी हो जाए। आदमी जब देने की जगह में होता है तब खुश होता है कि लेने की जगह में होता है तब खुश होता है? तो जिंदगी में कब तक लेते रहेंगे, कब देने की जगह में आएंगे? देखो नेचुरल प्रक्रिया क्या है उसको देखो। जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं तो माँ बाप से पैसा मांगने में हक लगता है, अधिकार लगता है, कभी झिझक नहीं होती, आवश्यकता के लिए मांग ही लेते हैं। कॉलेज से बाहर निकलते ही कैसा हो जाता है, फिर मांगना कैसा लगता है? लेकिन घर भी वही है, पैसा भी है, अब क्यों मांगना ठीक नहीं लगता है? अचानक क्या बदल गया, ऐसा क्या बदल जाता है? कॉलेज से बाहर निकलते ही कल तक जितने हक से मांगते थे अब उतना हक नहीं बचता है, क्या बदल जाता है? अपना भाव बदल जाता है कि अब मुझको अपने पैरों पे खड़ा होने की जरूरत है, अब मुझको फाइनेंशियली स्टेबल होने की है ना, सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, अब परिवार से पैसा लेना सम्मानजनक नहीं है। एक घटना, दूसरी घटना, नई शादी होती है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, इस बीच में पड़ोसी आ जाता है, तुम झगड़ा खोल खोल के उसको बता देते कि फटाफट आंख में से आंसू पहुंच के आइए आइए, तुरंत स्वागत भाव में आ जाते। क्यों छुपा लेते हैं हम घर का झगड़ा, क्यों छुपा लेते हैं, क्यों नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हमारे घर में झगड़ा हुआ, हमारे पति पत्नी का ठीक नहीं चल रहा, क्यों हम ऐसा चाहते हैं? अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता? हाँ, तो किसी को शादी होते ही हम माँ बाप हो गए हैं, हम भावी माँ बाप हैं और किसी माँ बाप को जीना नहीं आए, ये स्वीकार ही नहीं। सबको यही पता चले कि हमको जीना आता है, इसी में हमारा सम्मान है, तो हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए सेल्फ रिलायंट हैं, हम अपनी मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं के लिए सेल्फ रिलायंट हैं, यही सबके लिए सम्मानजनक है। इसका मतलब है दुनिया का हर परिवार
यही चाहता है कि उसका परिवार शिकायत मुक्त रहे, अभाव मुक्त रहे, हमेशा रहे और दूसरे परिवारों के लिए भी सहयोगी होता रहे। कितना बढ़िया। तो नेचुरल क्या है, अब धीरे धीरे हम इसको पहचान रहे हैं। अभी तक हमने अननेचुरल को नेचुरल माना हुआ है, क्योंकि अधिकांश लोगों में ऐसा होता है। तो संख्या बल के आधार पर जो अननेचुरल है उसको हम नेचुरल मानते रहे हैं, और नेचुरल मानते रहे तो उसको ठीक करने की भी आवश्यकता नहीं। जब मैं किसी चीज को नेचुरल मानता हूँ तो उसको ठीक करने की भी जरूरत नहीं है, है ना। एक शिविर करना था, बड़ा एग्जांपल बोलते बोलते याद आ रहा है, रायपुर में एक शिविर कर रहे थे, बच्चों का शिविर था। एक बेटी क्लास 6 ± की होगी, वो कहती है शिविर के दौरान, अंकल अंकल मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, कोई चर्चा के दौरान ऐसा बोली। तो मैं उसको पूछ दिया ऐसे, तुमको क्यों गुस्सा आता है? तो उसने जो आंसर दिया वो गजब का था। वो कहती है, जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे को लगता है मैं बड़ी हो गई। जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मेरे को लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। बच्चे बच्चे रहना चाहते हैं कि बड़े होना चाहते हैं? अक्सर बच्चे अपने टीचर्स और पेरेंट्स की एक्टिंग करते हैं। अक्सर घर में बड़ा बच्चा छोटे बच्चों को वैसे ही डांट रहा होता है जैसे घर के बड़े उनको डांट रहे होते हैं, है ना। और हमारे घर के बड़े व्यक्ति को क्या अधिकार है? सबको डांटने का अधिकार किसको है? घर के बड़े लोगों को। तो घर के बड़े लोगों को सबको डांटने का अधिकार हो कि घर के बड़े लोगों को गुस्से से मुक्त जीने का अधिकार हो, सबको प्यार करने का अधिकार हो, सबको मार्गदर्शन देने का अधिकार हो, ऐसी जिंदगी जीने का अधिकार हो जिसको जीते हुए देख के सामने वाले को लगे कि जिंदगी ऐसी होती है। अभी हमको जीना आता नहीं है, हम दूसरों को बहुत ज्यादा, अभी देखेंगे धीरे से इसको कहाँ गैप है और कैसे गैप रहता है। तो इससे ये पता चला कि हम अपने परिवार को कैसा देखना चाहते हैं, और यदि मेरा परिवार ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगा, दूसरे परिवार जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, दूसरे परिवार भी ऐसा हो जाए, इसका नाम भय मुक्त समाज है। यदि परिवार में सभी समाज शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होंगे तो समाज कैसा होगा? फिर आपको डर नहीं लगेगा ना। दिल्ली का समाज अभी ऐसा हो गया है कि एक माँ अपने 3 साल के बेटे को बाहर खेलने के लिए छोड़ के घर में काम में लग जाए, ऐसा वो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि 3 साल की बेटी के साथ कभी भी गलती हो सकती है और बेटे के साथ भी हो सकती है। तो हमने धीरे धीरे विकास के नाम पे हम सुरक्षित समाज की ओर जा रहे हैं कि असुरक्षित समाज की ओर जा रहे हैं, है ना। एक बेटी दिल्ली के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जॉब करने जाती है, 2 घंटा इधर से कैब में जाती है, उधर से 2 घंटा उधर से आती है, पर वो आँख बंद नहीं कर सकती। वो आराम कर ले, उसके 10 घंटे की जॉब, 4 घंटे का आना जाना, 14 घंटे की रोज की जॉब, जबकि उसको 4 घंटे मिलता है कि गाड़ी में 2 घंटे वो सो सकती है, लेकिन क्यों आँख बंद नहीं कर सकती? क्योंकि उसको डर है कि गाड़ी कब किधर चली जाएगी पता नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे असुरक्षित समाज की ओर चल और दूर क्यों जाएं? दूसरों से खतरा है कि अपनों से ही खतरा है? 80% महिलाएं अपनों के द्वारा फिजिकली अब्यूज्ड हैं और ये 50 के ऊपर के लोग हैं। ये अपने ही परिवारों की कहानी है। इसका मतलब है खतरा बाहर से नहीं है, खतरा घर में ही है। ये खतरा भाजपा के कारण नहीं है, कांग्रेस के कारण नहीं है, भारतीय संविधान के कारण नहीं है, है ना। ये किसी सिस्टम के कारण नहीं है, ये तो हमारी आपकी मानसिकता के कारण है। इसका मतलब है, जब तक मानसिकता पे काम करना किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है, मानसिकता पे काम करना माँ बाप का काम है, समाज का काम है, समाज अपना काम नहीं कर रहा है तो तमाम तरह की ये प्रॉब्लम सामने है। सभी परिवार ऐसे हो जाएं, यही सरकार और समाज का काम है। पिछले 15 सालों में हमने महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन, छत्तीसगढ़ स्कूल एजुकेशन, दिल्ली स्कूल एजुकेशन के साथ कुछ कुछ काम करने की कोशिश की है, कुछ अच्छे उत्साहजनक रिजल्ट हैं, ये संभव है। तो समाजों के साथ भी काम कर रहे हैं, सरकारों के साथ भी काम कर रहे हैं, और हमारे सभी मित्र
बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के इस काम को करते हैं, परिवार भाव से इस काम को करते हैं, ये सोच के कि हमको कोई अच्छी चीज मिली है, अपनों के साथ इसको परिवार विधि से शेयर किया जाए, ऐसा करके कारवां आगे बढ़ता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जीना। और अभी तक हम क्या कर रहे थे उसको भी देख लें। अभी तक हम क्या कर रहे थे उसको देखें तो मानव की बात करें तो मानव में चार विषय की बात करते हैं। चार विषय का मतलब है आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये चार विषय की बात मानव में करते हैं। पांच इंद्रियों की बात मानव में करते हैं। पांच इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। देखिए, चार विषय, पांच इंद्रियां, ये मानव में भी हैं, पशु में भी हैं, गाय में भी, गाय को सुनती भी है, कान भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप आंख भी होती है, जीव गंध भी, जीव होती है ना, और गंध नाक भी होती है, कुत्ते में भी होती है, गाय में भी होती है, मानव में भी होती है। ठीक, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन मानव भी करता है, कुत्ता भी करता है, गाय में भी होता है। ठीक है, पशुओं में भी होता है, मानव में भी होता है। टेक्निकली देखें तो चार विषय और पांच इंद्रियों को जैसा मानव यूज करता है पशु वैसे ही यूज करता है कि उसमें अंतर है? दोनों एक ही जैसा प्रयोग करते हैं कि दोनों में कोई अंतर है? है? क्या लगता है? हाँ जी, थोड़ा सा बोर्ड बड़ा कर दो, इसको बड़ा करो। तो देखिए, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। पशुओं को देखें तो वो पांचों इंद्रियों को यूज करते हैं ताकि चार विषय पूर्वक जिंदा रह सके। ज्यादातर गंध को प्रयोग करते हैं तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के द्वारा आहार, निद्रा, भय और प्रजनन करते हुए अपने को जिंदा बनाए रखते हैं। ये ठीक है, बात पहुंच रही? हाँ जी, सभी तक पहुंच रही? ठीक। मानव क्या करता है? मानव बिल्कुल इससे उल्टा करता है ना? क्यों करता है उसको समझेंगे। मानव चार विषय को यूज करता है ताकि पांचों इंद्रियों से सुख पा सके। मानव चार विषय को यूज करता है ताकि पांचों इंद्रियों से सुख पा सके। क्या फर्क है मानव और पशु में? क्या फर्क है मानव और पशु में? मानव के जीने का सेंटर पॉइंट जिंदा रहना है और मानव का सेंटर पॉइंट सुख है। कभी आपने सुबह ऐसा किया कि आज मैं क्या खा के जिंदा रहूंगा? क्या बोलते हो आप सुबह उठ के? आज सुबह उठ के क्या बोलते हो? नाश्ते के लिए क्या बोलते हैं? अभी ऐसा बोलते हो आज मैं क्या खा के जिंदा रहूंगा? क्या बोलते हो? आज क्या बनेगा? तो भाव क्या रहता है? आज क्या नया सुख मिलने वाला है ना? तो देखिए कितनी बढ़िया बात है कि मानव इतनी इवोल्व्ड स्पेसीज है कि वो जिंदा रहने की बात कब तक नहीं सोचता है, वो जिंदा रहने के बारे में कब तक नहीं सोचता है? जब तक कोरोना नहीं आया, जब तक वो बीमार नहीं पड़ता, जब तक एक्सीडेंट नहीं होता है, जब उसके जिंदा रहने पे खतरा ही मंडराने लगे तब वो जिंदा रहने की चर्चा करता है, उसके पहले वो जिंदा रहने की चर्चा ही कभी नहीं करता है। तब तक वो सारी चर्चा क्या कर रहा है? सुख किधर से आएगा, और ज्यादा सुख कहां से मिलेगा, और ज्यादा सुख कहां से मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मानव और पशु में यह अंतर क्यों है? मानव और पशु में यह अंतर क्यों है?
क्यों भाई, अंतर पहुंच रहा है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, पहुंच रही बात? मानव और पशु में ये अंतर क्यों है? है भाव विचार जाता है। तो मानव में दो चीजें, जो वरदान जो सभी को प्राप्त है, मानव में कल्पनाशीलता है और मानव में कर्म स्वतंत्रता है। ये दो चीजें हर मानव में है, पशुओं में कल्पनाशीलता नहीं है। ये बहुत क्लियरली कहा जा रहा है। आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि नहीं, पशु भी तो सोचते हैं। तो पशुओं में विचार पक्ष आंशिक रूप से होता है, पशुओं में उसका विचार उसके जिंदा रहने की सीमा में होता है और उसके वंश के अनुसार होता है। मानव में कल्पनाशीलता का मतलब, जैसे कोई पक्षी यदि घोंसला बनाता है तो वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK नहीं करेगा, है ना? बाप का बनाया हुआ ठीक ठाक मकान तोड़ के बेटा नया बना देगा, ठीक? तो इसका मतलब यह होता है कि मानव में शेर जंगल का राजा आप बोलते रहो, बेघर है और हमेशा बेघर रहेगा, वो अपना घर नहीं बनाता। बंदर जैसा विकसित प्राणी अपना घर नहीं बनाता है तो हजारों साल बाद भी नहीं बनाएगा, उसमें ऐसा कोई विकास नहीं होगा कि हजारों साल पहले बंदर घर नहीं बनाता था, आजकल घर बनाने लगा है। गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। इसका मतलब है हर पशु अपने वंश के अनुसार जीने के लिए बाध्य है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। मानव के पास वो ताकत है कि संत का बेटा डाकू और डाकू का बेटा संत हो ही सकता है। तो मानव के पास कल्पनाशीलता की ताकत का मतलब है, ये अस्तित्व क्यों है, ये सृष्टि किसने बनाई, मेरे जीने का पर्पस क्या है। कोई पशु आपके पास घूमता हुआ कभी सांड और बैल नहीं आएगा कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, उसको ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो उसका क्वेश्चन इतना ही है कि उसके जिंदा रहने की, खुश हो रहे बच्चे, उसका क्वेश्चन नहीं आएगा, उसकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, उसके पास वो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो ऐसा सोच पाए। तो मानव एक बहुत इवोल्व्ड स्पेसीज है, लेकिन मानव ने अपने इवोल्व्ड पने को, अपने इवोल्व होने को महसूस अभी नहीं किया है। अभी तक हमने अपनी कल्पनाशीलता से शरीर के साथ ही काम किया है, शरीर में ही सुख ढूंढा है, शरीर में ही पहचान ढूंढी है, शरीर के आगे हम नहीं गए हैं। ये हमारे दुख का कारण है। इसको और 10 मिनट में देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मानव में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है। मानव में कल्पनाशीलता के कारण उसका दूसरा एक्सप्रेशन और आता है। एक एक्सप्रेशन उसका सुख की तलाश है, दूसरा एक्सप्रेशन ही उसका सुख की तलाश के अर्थ में उसकी सम्मान और उसकी पहचान की तलाश। उसकी सम्मान और पहचान की तलाश है। ये मानव के लिए बहुत सेंसिटिव विषय है। जैसा आपने कहा कि मेरा कोई अस्तित्व है कि नहीं, मेरा भी कोई अस्तित्व होगा, तो जब भी मेरे अस्तित्व पे खतरा पैदा होता है तो इससे ज्यादा सेंसिटिव क्षण आदमी के लिए नहीं हो सकता है। तो मानव के लिए जिस तरह से उसकी पहचान रोटी कपड़ा और मकान के रूप में उसकी आवश्यकता है ही है, उतनी ही आवश्यकता उसकी पहचान की और सम्मान की है। और हम, हमारी पहचान और सम्मान कहाँ से आता है? अभी हमारा पहचान और सम्मान कहाँ से आता है? कितने प्रतिशत लोग हैं जिनकी पहचान और सम्मान का आधार मैं कैसा दिखता हूं, मेरा शरीर कितना बढ़िया है, बलशाली है, बढ़िया दिखता है, मेरे पास पैसा कितना है और मेरा पद कितना है? कितने प्रतिशत लोगों की पहचान, मैं कैसा दिखता हूँ और मेरी गाड़ी कैसी दिखती है और मेरे कपड़े कैसे दिखते हैं और मेरा मकान कैसा दिखता है? रूप से हमारी पहचान आती है, बल से हमारी पहचान, मेरा शरीर कैसा है उससे मेरी पहचान आती है, मेरे पास पैसा कितना है उससे मेरी पहचान आती है, मेरा पद क्या है उससे मेरी पहचान आती है। कितने प्रतिशत लोग समाज में हैं जिनकी पहचान इस दायरे में घूमती है?
कितने प्रतिशत होंगे, कितने प्रतिशत होंगे? ठीक, तो 99%, 1% तो सभा की मर्यादा है, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अब देखो, अब गैप को पकड़ते हैं कि गैप मेरे दुख के कारण कहाँ पे हैं, दूसरा मेरे दुख का कारण कितना है और मैं मेरे दुख का कारण कितना हूँ, उस गैप को पकड़ते हैं। तो यदि हम पहचान के रूप में देखें, यदि मैं इससे पहचान पाना चाहता हूँ तो मैं पहचान और सम्मान कैसा चाहता हूँ, स्थाई हो कि अस्थाई हो? मेरी सम्मान और मेरा पहचान स्थाई हो, और मैं जिससे पाना चाहता हूँ वो स्थाई है कि परिवर्तनशील है? परिवर्तनशील है। तो मैं सारी जिंदगी क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी क्या कोशिश करता हूँ, मैं सारी जिंदगी क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाना चाहता हूँ, मैं परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाना चाहता हूँ, परिवर्तनशील चीजों का स्थायित्व पाना चाहता हूँ। कैसे? जैसा मैं 25 साल का दिखता था मैं ऐसे दिखता रहा, क्या ये हो पाएगा? शरीर बदलेगा उम्र के साथ साथ, उसका नियम है, शरीर बदलेगा, पैसा जितना है उतना बना रहे, हमेशा बढ़ता रहे, क्या ये संभव है? घटता भी है, बढ़ता भी है, उसकी नेचर है। पद जैसा है हमेशा बना रहे और बढ़ता रहे, एक दिन रिटायरमेंट होगा, एक दिन शरीर ही परिवर्तनशील है, शरीर ही परिवर्तनशील है, तो शरीर से जुड़े हुए सारे पैरामीटर ही परिवर्तनशील हैं। तो क्या कोशिश कर रहे हैं हम जिंदगी भर, क्या कोशिश कर रहे हैं जिंदगी भर? परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास, संभव नहीं है, संभव नहीं है। और इसमें क्या लोचा है सोच के बताओ, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जब मैं रूप बल धन और पद से अपनी पहचान और अपने सम्मान को पाने की कोशिश करता हूं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? हैं? इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन, भाव और विचार स्थिर नहीं होते हैं, है ना, कंपैरिजन बहुत तगड़ी बीमारी है। तो एक सोच के बताओ, कौन बताएगा कि जब मैं रूप बल धन पद से पहचान पाने जाता हूं तो कंपैरिजन क्यों होता है, मैं कंपेयर क्यों करता हूं? माइक लो, माइक से बोलो। मेरे पास कुछ है तो मेरे से बेटर किसी ना किसी के पास तो कुछ होगा ही, तो इसलिए हमेशा वो कंपैरिजन रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। हाँ जी, और कोई? माइक। ये पर्सनल मेरा ऐसा मानना है कि मैक्सिमम लोग ये तय कर बैठे हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचे, हम वो भी हम तय करते हैं, पूछते भी नहीं। मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचे, नहीं क्या सोचे, क्या सोचे, ये भी मैं तय करता हूँ। तो आप खुद ही सोच लेते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, ऐसा भी नहीं? नहीं ऐसा। अरे मेरा कहना दूसरा था। नहीं आपका दूसरा है पर ये वाला भी है ही है, मैं क्या सोच रहा हूँ ऐसा भी आप खुद मान ही लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचे, हाँ। मैं डिसाइड करता हूँ, हाँ। तो नेचुरल में दुखी हूँ, मैं होऊंगा, वो मैं क्यों लोगी गलती करते हैं। हाँ जी, तो जिन चीजों में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, जिन चीजों में कोई पूर्ण वैल्यू नहीं है, जो चीजें सापेक्ष हैं उसमें कंपैरिजन होगा ही। जैसे सुंदरता का पूर्ण वैल्यू क्या होगा, 100% सुंदर किसको बोलेंगे? जैसे जो लोग विश्व सुंदरी होते हैं, विश्व सुंदरा तो नहीं होते ना, होते हैं? होते हैं? कभी सुनने में नहीं आता। तो जो विश्व सुंदरी होती है उसकी, उनके तुलना में हो सकता है कोई उसको नहीं मानता हो और किसी और को मानता हो, ऐसा हो ही सकता है। भले ऐसा जरूरी नहीं है जिसको घोषित कर दिया गया है सारे विश्व के सारे लोग उसको मानेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि सुंदरता का मापदंड
सुंदरता का मापदंड भारत में, अफ्रीका में, अर्जेंटीना में और नेपाल में और भूटान में और साउथ इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में एक ही जैसा रहेगा कि अलग अलग है? अलग अलग रहेगा। जिस चीज का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, जब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है और मुझको अपने आप को सुंदर बताना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी के कंपैरिजन में बताना होगा। तो सुंदरता का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इसलिए हमेशा मेरे को अपने आप को सुंदर बताने के लिए किसी से सुंदर हूं ऐसा ही बताना पड़ेगा। पैसे का कोई एब्सोल्यूट वैल्यू, इतना पैसा होने से अधिकतम होगा, इससे अधिकतम नहीं हो सकता है। पैसे में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकता है, शरीर में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकता है, पद में भी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकता है। तो जिन चीजों में अपने आप में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, पूर्ण वैल्यू नहीं है, पूर्ण की परिभाषा है जो कम अधिक से मुक्त होता है, इसका मतलब जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, जो खुद में ही अधूरा है, उसमें मैं अपने आप को यदि मूल्यांकन करना चाहूंगा तो मेरे को किसी के सापेक्ष में बोलना पड़ेगा, किसी के कंपैरिजन में बोलना पड़ेगा। कैसे? जैसे भारत में ट्रक जा रहा होता है तो उसके पीछे क्या लिखा होता है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अभी ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो इसके पीछे क्या लिखेंगे? बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा, क्योंकि वहां सारी काले हैं। मापदंड बदल जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि काला रंग गोरा अच्छा होता है कि गोरा रंग अच्छा होता है, हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही लगता है। हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही लगता है। जिसको जिससे प्यार हो गया है उसको तो ठीक ही लगता है, बाकी लोग समझाते हैं बेकार में चक्कर में फंस गया। ठीक। तो इसके हमको एक समझ में आया कि ये कंपैरिजन का इतना गहरा प्रभाव हमारी जिंदगी में है कि हर क्षण हमारे भीतर कम ज्यादा दूसरे को पता भी नहीं है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, और आप अपने भीतर हिलडुल रहे हो। आपके भीतर हमेशा हिलन डुलन बना ही रहता है, हमेशा दूसरे से कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा मानना, बड़ा मानना हमेशा ही अपने भीतर चलता ही रहता है। तो स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा? स्टेबल होगा कि लगातार हिलता डुलता ही रहेगा? और मैं चाहता कैसा हूं, है ना? देखो तभी आपको समझ में आता है, आप किसी पार्टी में जाते हो कितना सज धज के जाते हो, आके कपड़े उतार के कैसे फेंकते हो, और कभी ऐसा करो ना संडे के दिन सज धज के बैठ गए दिन भर, है ना, एकदम लहंगा वहंगा पहन के जो शादी के टाइम पे पहना था, है ना, और कोट टाई मार के बिल्कुल चलो आज दिन भर ऐसे ही बैठे रहे, ऐसा कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो कपड़ा तो पहन के अच्छा लगता है, ओकेजन ओकेजन का इतने मतलब है, कितने लोग को चमकाना है। तो सारी शादियां मात्र ये दिखाने का मतलब है कि देखो मेरे कपड़े तुमसे ज्यादा अच्छे थे। और वो आपके लिए बहुत सुखदायी नहीं है इसलिए आप घर में आके पटकते, और वो कपड़े इतने ही सुख देते तो दिन भर घर में बैठ के पहने रहो छुट्टी के दिन। वो फिल्मों में दिखाते ना राजा को मुकुट मुकुट लगा के, ऐसा कोई दिन घर में पहन के बैठ के देखो राजा टाइम बन के, बच्चा बोलेगा मेरा बाप पागल हो गया। हाँ जी। तो इसमें एक लोचा परिवर्तनशील है, दूसरा लोचा कंपैरिजन है, तीसरा लोचा लिमिटेड है। हाँ, क्योंकि आप सोचते भी रहोगे इतना हो जाएगा, वो अचीवेबल भी नहीं है, लिमिटेड है, अच्छी बात है। तो मेरी शक्ल है, मेरी हाइट 5 फुट है, अब इसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है, जैसे मेरे माँ बाप थे वैसी है। तो मेरी शक्ल, मेरी हाइट, मेरा शरीर, मैं कितना ही खाऊँ इससे ऐसी रहता है, अब मेंटेन्ड है ना, इसमें मेरा कोई ज़्यादा रोल है नहीं, है ना। वो शरीर की बनावट ऐसी होगी कि वो नहीं फूलता होगा, कोई लोग हवा खा खा के फूलते रहते हैं,
तो इसका मतलब है कि शरीर की बनावट का बड़ा हिस्सा, उसकी शक्ल, उसका रंग, उसके नैन नक्श, उसकी हाइट, इसमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है वो मेरी पहचान का आधार कैसे हो सकता है? जिसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है तो शक्ल का कितना मतलब है? शक्ल का इतना ही मतलब है कि मेरा आईडी है। नीचे वाले की फोटो खींच लो, इसको दिखाओ किसका है ना। नीचे वाले का फोटो सबका एक जैसा है या किसी का अलग से कोई पहचान नहीं आएगी? तो केवल चेहरा वो जगह है जहां से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। तो धीरे से हमको पता चलता है, और धीरे से ये भी पता चलता है कि ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव है, जो एक को बहुत अच्छा लगे दूसरे को वो उतना ही अच्छा लगेगा। पति मान लीजिए बहुत प्रभावित है कि मेरी प्रमोशन हो गई, मेरे को बड़ा पद मिल गया, पत्नी को लगता है कोई खास बात नहीं, इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं, तुम जैसे पहले थे वैसे रहोगे, तुम्हारा नेचर तो बदलेगा नहीं। पति को लगता है यार मेरा इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, वो कहता है जितने पहले मिले हमसे परेशान है, पहले घर में नहीं आ रहे थे और नहीं आओगे। तो इसका मतलब है कि जो पति के लिए उपलब्धि है वो पत्नी के लिए उपलब्धि हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव है, परिवर्तनशील है, कंपैरेटिव है, लिमिटेड है, और एब्सोल्यूट नहीं है इसलिए कंपैरेटिव है, और कितना सुंदर होने से ऐसा होगा? अरे बोलते नहीं हो, कितना सुंदर होने से ऐसा हो जाएगा? कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। मेरा शरीर कितना बलशाली हो जाएगी ऐसा हो जाएगा? इसके चलते हमको तीन फ्री गिफ्ट मिलते हैं, तीन वाउचर मिलते हैं, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता। ये तीन फ्री गिफ्ट साथ में मिलते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? ठीक, तो इससे पता चलता है कि जितने चार लोचे की बात हमने की है उसका प्रभाव भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता के रूप में मिलता है। कितना पैसा हो जाएगा कि हमारे परिवार में संबंध हमेशा तृप्तिदायक होंगे? कितना पैसा हो जाएगा, है ना? एजुकेशन कितनी कितनी पीएचडी कर लें कि अपने भाव और विचार हमेशा स्थिर रहेंगे? ठीक, एजुकेशन से कोई लेन देन नहीं, पैसे से लेन देन नहीं। कौन सा पद मिल जाएगा तो मैं कहता हूं कि भाई राष्ट्रपति भवन में भी पति पत्नी का झगड़ा हो सकता है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है कोई दोनों में से कोई एक राष्ट्रपति भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पद कितना बड़ा हो गया, इससे आपका भाव और विचार, आपके रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएंगे। इसका आपस में कोई रिलेशन है? तो कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है कि मेरे पास मेरे रूप का, मेरे शरीर का, मेरे धन का, मेरे पद का जीने के साथ में कोई जुड़ाव नहीं है? कितने लोगों को यह समझ में आ रहा है? जिन्होंने कहा था वो हॉल में नहीं है, है ना? तो इससे ये समझ में आया कि मेरे रूप का, मेरे बल का, मेरे पैसे का, मेरे पद का जीने से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। तो ये समझ में आया कि पैसे की कमी दुख का कारण हो सकता है, पैसे की कमी दुख का कारण हो सकता है, पर पैसा आपके सुख का कारण नहीं हो सकता है। दुनिया की सारी संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती, है ना? ऐसा ही नियम है, ऐसा ही प्राकृतिक स्वरूप है, ऐसा ही नेचर में है। सुख मतलब, सुख मतलब मोमेंट्री वाले की बात नहीं कर रहे, है ना? हाँ, स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं,
तो बेसिकली कितना पैसा होगा कि आपके भूतकाल की पीड़ा वर्तमान से विरोध भविष्य की चिंता कभी नहीं रहेगी, कोई रिलेशन नहीं, इसका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। पहला वाला जो एक था उसको फिर से एक बार देख लो, मैं इंद्रियों से सुखी होने की कोशिश करता हूँ, तो इंद्रियों से सुखी होने में क्या क्या दोषा है, क्या क्या गैप्स हैं, इंद्रियों से सुखी होने में क्या क्या गैप्स हैं, मैं कितना सुख चाहता हूँ हमेशा, इंद्रियों से कितना मिलता है मोमेंट्री, एक लोचा, दूसरा गैप परिवर्तनशील है, दूसरा गैप ये है कि ये परिवर्तनशील है, आज कोई चीज अच्छी लग रही है कल आपको उतनी अच्छी लगेगी ऐसा जरूरी नहीं है, और पहले कोर में जो खाने में स्वाद था वो आखिरी कोर में नहीं है, ठीक। तीसरा बोलिए बोलिए जोर से बोलिए, माइक हाथ उठाओ माइक से बोलो यार, हाँ माइक लिमिटेड है, लिमिटेड है, क्या लिमिटेड है, इससे मिलने वाला सुख लिमिटेड है, हाँ हाँ, और जी जी ये राग द्वेष को बढ़ाती है, हाँ ये भी एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, रूप बल धन पद हमारे आवेश को हमारे अहंकार को भी बढ़ाता है, क्योंकि हमेशा मैं दूसरों से कंपैरिजन ही करूंगा, दूसरों से ज्यादा है, और जितना दूसरों से ज्यादा होता जाएगा उतना मैं दूसरों के नजदीक आते जाऊंगा कि उनसे दूर होते जाऊंगा, तो ये मेरे भीतर विशेषता को बढ़ावा देता है, ईगो को बढ़ावा देता है, मैं सरल नहीं होता, सहज नहीं होता, किसी के नजदीक नहीं आता, बल्कि दूसरों को अपने से छोटा मानता हूँ, अपने आप को बड़ा मानता हूँ। हाँ जी, वो ये सब के साथ धन होने से वो कंपैरिजन ऐसा भी नहीं होता, वो होता है तो कई चीज कर भी पाते हैं, थोड़ा माइक पास में रखिए, मेरे पास पैसा है तो मैं किसी के लिए मैं खर्च कर सकता हूँ, हाँ। मेरे पास अच्छा पद है तो मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो वो भी एक आदमी को कॉन्फिडेंस या पॉजिटिव पार्ट देता है, बिल्कुल देता है, तो वो कैसे आप उसको नहीं कर सकते, वो भी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट उतना ही रहता है, तो इसका मतलब है उसको किस में रखेंगे, जीने में रखेंगे कि जिंदा रहने में रखेंगे, वो जीना भी है कि भाई एक आप धन है कुछ करना भी है, आज किसी भी चीज में आप बोल दो कि मेरे पास धन के बगैर कई चीज होती भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, मैंने पहले ही कहा, देखो 2 मिनट पहले ये स्टेटमेंट आया कि पैसे की कमी के कारण हम दुखी हो सकते हैं, और पैसे के होने से क्या हो सकता है उसको थोड़ा पहचानना पड़ेगा। हाँ जी, मेरे को लगता है अच्छी बात आई है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने किसी को जॉब दिला दिया, मैंने किसी का इलाज करा दिया, उसकी फीस मैंने दे दी, तो ये जिंदा रहने में आएगा कि जीने में आएगा, वोटिंग कर लेते, मैंने किसी का फीस दे दिया, मैंने किसी का हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा दिया, उसके पास पैसा नहीं था, मैंने किसी की जॉब लगवा दी, तो ये मैंने दूसरे को जिंदा रहने में सहयोग किया कि जीने में सहयोग किया, वोटिंग कर लेते हैं, कितने लोगों को लगता है कि हमने दूसरे के जिंदा रहने में सहयोग किया, हाथ उठाइए, ठीक, अच्छा कहाँ थे, अच्छा भाई जी ने उसके जिंदा रहने में सहयोग किया पर अपने को जीने में सहयोग किया, हाँ वो भी समझ में, बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया सोचते हो, अभी रुक जाओ ताली समझ के बजाना, समझ के बजाना, ऐसे नहीं के जल्दी, इसका मतलब एक बात तो पक्का हो गया कि दूसरे के जिंदा रहने में सहयोग किया, लेकिन उससे मेरा जीना हो जाएगा, 1947 में मैंने किसी की जॉब लगवाई थी तो आज तक मेरा भाव और विचार स्थिर हो गया है, मेरे रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसके कारण, कैसा होने वाला है, इसका मतलब इतना ही हुआ कि अच्छा लगता है, दूसरे की जॉब लगवा दी ये भी अच्छा लगता है, दूसरे को ब्लड डोनेट किया, मैंने किसी को ब्लड डोनेट किया उसकी वजह से दूसरे का जीना हो जाएगा कि उसके जिंदा रहने में सहयोग हुआ, और उसकी वजह से मेरा जीना हो गया, और पता चले घर में इसी बात में झगड़ा हो गया तुम दूसरे को फोन कैसे देके आते, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब यह हुआ कि तीन भाग में हमको बात करना पड़ेगा, इसलिए तीन कॉलम पहले से बना रखे हैं। आप क्या क्या बोलोगे मेरे को पता रहता है। तो इसका मतलब हुआ, एक भाग हुआ हमारे जीने का जब हम संवेदनहीन होते हैं, एक भाग हुआ हमारे जीने का जब हम संवेदनशील होते हैं। एक भाग हुआ हमारे जीने का जब हम संज्ञानशील होते हैं। तो संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता का मतलब है कि अपने तन मन और धन का प्रसन्नतापूर्वक दूसरों के जिंदा रहने में नियोजित करना, इसका नाम संवेदनशीलता है। तो संवेदनशीलता, संवेदनहीनता और संज्ञानशीलता, ये तीन तरह के स्टेट ऑफ माइंड है। संज्ञानशीलता वो होता है जो उसके नीचे लिखा है। संज्ञानशीलता क्या होता है? जो उसके नीचे लिखा है वो सारा संज्ञानशीलता है। जीना संज्ञानशीलता है। जिंदा रहने में दो पार्ट हो गए, एक पार्ट संवेदनहीनता है, एक पार्ट संवेदनशीलता है। तो संवेदनहीनता मतलब, संवेदनशीलता मतलब, संवेदनहीनता मतलब मेरा इंद्रिय सुख और मेरा रूप बल धन पद बढ़े, दूसरे का नुकसान होता हो, उसको दुखी होता हो तो होए ना, तो दूसरे का नुकसान होता हो, दूसरा दुखी होता हो तो चलेगा। मेरा इंद्रिय सुख और मेरा रूप बल धन पद कैसे बढ़ेगा, मेरे को इतना ही सोचना है, इसका नाम संवेदनहीनता। संवेदनशीलता क्या है? मैं अपने परिवार की बाहर के लोगों के लिए अपने तन मन धन को लगाता हूँ ताकि उनके जिंदा रहने में सहयोग हो जाए। ये आवश्यक बात है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, इसका नाम संवेदनशीलता है। लेकिन संवेदनशीलता से मेरा जीना हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता जीने के निकट है। जब भी कोई व्यक्ति जीने की तरफ जाएगा तो संवेदनशील व्यक्ति ही जाएगा, संवेदनहीन व्यक्ति होगा तो उसको पहले संवेदनशील ही होना होगा, तो ही वो आगे जाएगा। इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? हम कितने लोग अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम जी रहे हैं? कब हम संवेदनहीन होते हैं, कब हम संवेदनशील होते हैं, और संज्ञानशीलता में कितनी दूरी है? हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? क्या निष्कर्ष ले? हाँ जी बोलिए। संज्ञानशीलता का एग्जाम्पल यही है, देखो उसके नीचे कितना सारा लिखा है। मेरे भाव और विचार में कोई नेगेटिविटी नहीं आता है, मैं हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ होता हूँ, मेरे रिलेशनशिप में हार्मनी बना हुआ है, मैं समाज में दूसरों पर, दूसरे परिवारों में बेहतर जीने के लिए सहयोगी बना हुआ हूँ, है ना। मेरे परिवार में कोई शिकायत नहीं है, अभाव की मानसिकता नहीं है, दूसरों को देख के छोटा महसूस नहीं होता है, किसी की गाड़ी को देख के, किसी के पद को देख के, किसी के पैसे को देख के, किसी की सुंदरता को देख के अपने भीतर ये भाव आए कि मेरे पास कम है, ऐसा नहीं होता। ये स्टेट ऑफ माइंड, ये स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड, ये लगातार पीस ऑफ माइंड, ये सॉल्यूशन से भरा हुआ माइंड का नाम संज्ञानशीलता। कितने लोग ऐसा होना चाहते हैं? सभी होना चाहेंगे, है ना। कितने परिवार ऐसा जी रहे हैं? कितने परिवार ऐसा जी रहे हैं? गैप आ गया। तो हम क्या, हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? हम जिंदा हैं कि जी रहे हैं? बोला भी जाता है, बोला भी जाता है। हाँ, किसी को अभी शंका हो कि मैं जी रहा हूं तो एग्जांपल दें, अपन बात करेंगे। वो ऐसा हो ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा है तो अपन बात करेंगे। बोलिए। संज्ञानशीलता
यहाँ से हमको पति पत्नी का वो पूरा कोर पकड़ में आएगा कि गैप कहाँ पे है। अब पता चला कि एक दूसरे की शिकायत करने का फायदा ही नहीं है, हम सभी एक कंफ्यूजन के साथ में जिंदगी जी रहे हैं, है ना। अब कितने प्रतिशत लोग इस संसार में जिंदा हैं, कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं? हाँ जी, कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं, कितने प्रतिशत जी रहे हैं? ठीक हो गया, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत, अमेरिका, चाइना, कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव, शहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म और जाति, मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एक बात हमारे ध्यान में आ गई, अच्छा ये बताओ कि जिसको यहाँ जीने, एक परिवार के जीने का स्वरूप अब हमने कैसा पहचाना, एक परिवार जी रहा है इसकी पहचान क्या होगी, उसको पहचानने का तरीका हम कैसे पहचाने कि हमारा परिवार जी रहा है कि नहीं जी रहा है? है? शिकायत मुक्त अभाव, हमारे परिवार में किसी रिलेशन में कोई शिकायत नहीं है, किसी व्यक्ति की मानसिकता में अभाव नहीं है और ये स्थिति हमेशा बनी रहती है। कितने लोग ऐसा होना चाहेंगे? सभी, सभी, ये नेचुरल है, जो सभी होना चाहें वही नेचुरल है ना। और इसका मतलब है, लेकिन हम क्या मान के चल रहे थे, हम अननेचुरल को नेचुरल मान के चल रहे हैं और जीने को हम क्या समझ के चल रहे थे अभी तक, जीना क्या है? अभी तक हमारी मान्यता में क्या था, हम जीना किसको मान रहे थे? है? थक गए? अभी तक की स्थिति ये है, देखो हमने जिंदा रहना को जीना माना, जिंदा रहना को जीना माना, हमने सुविधा पूर्वक जीने को जीना माना। घर की छत पे हेलीकॉप्टर आ गया है और मैं हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाता हूँ, इससे जीने की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सुविधा होने का मतलब जीना नहीं है, सुविधा होने का पॉजिटिव मतलब वही है कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी संज्ञान, इससे भी मेरा जीना हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसका मतलब दूसरा बड़ा रीजन है कि हमने संवेदनशीलता को जीना माना है। दूसरे को मैंने फ्री में पढ़ा दिया था, उसकी जॉब लगवा दी थी, ये अच्छा काम है, इसकी जरूरत है, लेकिन इससे मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो गया ऐसा नहीं है। और क्या, मैंने पीएचडी कर ली इसको मैंने जीना माना ऐसा भी नहीं है। 10 पीएचडी करने के बाद भी मेरा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो जाएगा इसका कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि अहंकार के मारे और मुश्किल में आ जाऊं, ऐसे होने की संभावना ज्यादा है। मैं बहुत बड़ा पद पा गया इसका नाम जीना है ऐसा भी नहीं है। और क्या लिखूं, और कुछ लिखवाना हो तो बताओ। हमारी शिकायत कहाँ पे है, हमारी शिकायत क्या चीज की है, हमारी जितनी भी दुख है, जितने भी शिकायत है, वो वस्तु की कमी के कारण है कि भाव की कमी के कारण है? भाव की कमी के कारण है। हमारी 24 घंटे के प्रयास वस्तु को बढ़ाने हैं कि भाव को बढ़ाने के हैं? वस्तु को बढ़ाने के हैं। प्रॉब्लम किधर की है, इधर की। प्रयास किधर के हैं, इधर के हैं। ज्यादा क्या हो जाए, बेटी बेटा अमेरिका में सेटल हो जाए, कनाडा में सेटल हो जाए, है ना, लड़की अमेरिका वहां मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका में ले लो, चांद में ले लो। यदि स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है, जो कि नहीं है, जो कि कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी जी। ये सब जो माइंड थोड़ा पास रखना, ये जो आप बोल रहे हो, पर कई चीज ऐसी होती है कि जो अपने जो कई लाइफ का पोर्शन ऐसा है जो सुविधा ही ढंग से अपने नहीं कर पाते, उसके कारण वो स्टेज पे पहुंचने का डर पड़ जाता है। देखिए मैं तो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी से एक तो ये बोल दिया कि सुविधा का ना होना दुख का कारण हो सकता है, ये बात अपन बोल दी।
लेकिन कोई सुविधा जीने को पहुंचा देगी, जीने को छू देगी, उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। ये भी समझ में आया। मेरी जानकारी में मेरा 92 में मैंने जॉब से रिजाइन किया है, आज 30 साल हो गया। 30 साल से मैंने फुल टाइम जिंदगी ही एक्सप्लोर किया है, दूसरा कोई काम नहीं किया है। हजारों लोगों से बात करके, हजारों लोगों को देश भर में मिल के मैंने ये पाया। ऐसे मेरे को तमाम लोग मिले जिनकी आर्थिक स्थितियाँ बहुत सामान्य हैं और वो लाइफ टाइम कमिटमेंट के साथ हैं। ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा मिली। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम मिली जिनके पास बहुत पैसा है और वो बहुत सारे लोग, बहुत सारा कुछ अच्छा, बहुत सारा कुछ लाइफ टाइम कमिटमेंट के साथ हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों ही बात है। तो वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो फाइनली डिसाइड करता है कि आदमी क्या करेगा, उसके पास कितना फिजिकल बिलोंगिंग है कि नहीं है। तो है वाला भी कर सकता है, नहीं वाला भी कर सकता है। तो किसी के पास सुविधा कम है वो पॉजिटिव नहीं सोच पाएगा या वो जीने की नहीं सोचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो है वाला भी सोचेगा, नहीं वाला भी सोचेगा। पॉजिटिव सोचने की बात नहीं होती, पर वो कैसा डे टू डे फाइटिंग जैसा हो जाता है लाइफ में, जो सुविधा के लिए भी या बेसिक नेसेसिटी, आज के दिन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक नेसेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी को लगता है कि बेसिक नेसेसिटी आज के दिन में कोई भी हो, जैसे बच्चों को अच्छा पढ़ाना है। अच्छा पढ़ाने का क्या डेफिनेशन होगा? अच्छा पढ़ाना, अच्छा पढ़ाने का मतलब 2 लाख रुपए महीने की स्कूल भी है। अब अच्छा की डेफिनेशन आपकी क्या होगी, वो तय नहीं हो रहा। तो सारा खेल किस बात का है कि वो ही माइंडसेट का ही खेल है कि आप कैसे चीजों को पहचानते हो। तो किसी का अच्छा होना, 10 लाख रुपए महीने में भी किसी का घर में गरीबी है और किसी के घर में 10,000 रुपए महीने में भी उसको लगता है कि मेरी आवश्यकता से ज्यादा हो गया या मेरी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। ऐसे मॉडल इसी जगह में, इसी बिल्डिंग में अभी मौजूद हैं, जो बहुत क्वालिफाइड फैमिलीज से हैं और जो ऐसा जी रहे हैं और बहुत खुश हैं और यही मौजूद है। पर्सनली कल मिलवा, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ माइंड है ना। तो स्टेट ऑफ माइंड ही डिसाइड करेगा कि मैं अच्छा किसको बोल रहा हूँ और वाकई में अच्छा क्या है। तो कैसे डिसाइड करोगे कि अच्छा क्या है? सफिशियंट किसको बोलेंगे? सफिशियंट का मापदंड सबके लिए एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? वो हस्बैंड वाइफ में भी अलग अलग हो सकता है। वाइफ को लगता है सफिशियंट है, हस्बैंड को लगेगा नहीं है तो कुछ नहीं है, या हस्बैंड को लगता है ठीक है, वाइफ को लगेगा कि नहीं चलेगा। हमने जब बचपन से जो सीखा है कि हमारे ये ड्रीम होना चाहिए, कि भाई हमारे, मेरे पास इतना ड्रीम नहीं है तो आप आगे, ड्रीम ही गलत दे दिया ना। ड्रीम करो, इधर कितना करना है करो। ड्रीम ये है, मेरा परिवार शिकायत में, इस देश में 10 करोड़ फॉलोअर होना बहुत आसान है। एक छत के नीचे अपने घर के अपने संबंधी बिना शिकायत के जी सके, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम दम है तो जी के दिखाओ, दम है तो ये करके दिखाओ। पर्सनल ईगो नहीं सेटिस्फाइड होता कई बार, वो हैंडल करना नहीं आता, इसलिए वहां छोड़ के भाग जाते हो फैक्ट्री कमाने। जो हैंडल नहीं हो रहा है उसको छोड़ के भाग जाते हो। तो इस धरती का सबसे बड़ा काम है कि एक परिवार के लोग एक छत के नीचे शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी सके, इससे बड़ा कोई काम इस धरती पे है नहीं। हमसे घर हैंडल नहीं हुआ तो हम सन्यासी हो गए, हमसे घर हैंडल नहीं हुआ तो हम घर छोड़ छोड़ के भागे, कोई समाज सेवा में चला गया, कोई ईश्वर की खोज में चला गया, कोई राजनीति में चला गया, कोई पैसा कमाने चला गया, घर हैंडल नहीं हुआ है। बाहर टर्नओवर बहुत बढ़ गया, उधर टर्नओवर बढ़ गया, खुशी का टर्नओवर घट गया। घर हैंडल नहीं हुआ पर घर की रिक्वायरमेंट जो थी, जैसे घर की रिक्वायरमेंट आई, रिक्वायरमेंट तो वो अपने घर से ही पूरा करके आई थी। तुम्हारे पास रोटी कपड़ा मकान के लिए थोड़ी आई थी, उसके घर में था रोटी कपड़ा मकान। हम वाइफ को अक्सर सब कुछ तो दिया है, अरे सब कुछ जो तुमने दिया वो मेरे घर में पहले से था। इसका मतलब है कि सब कुछ में वो नहीं आया जिस भाव की जरूरत थी, जिंदगी में जिस क्वालिटेटिव ग्रोथ की जरूरत थी, जिंदगी में जिस भावनात्मक विकास की जरूरत थी, जहाँ भय मुक्त और प्यार से परिपूर्ण होने की जरूरत थी, वो तो छुआ नहीं है, उसको छूने की हमारी योग्यता नहीं है। तो शिकायत मुक्त, तो भी शिकायत खत्म नहीं होती ना घर से, तो ये तो बात आते तो शिकायत मुक्त कैसे हुए? कैसे होगा वही शिकायत होती है। 5 दिन बाद आप बोल के जाओगे इसी हॉल में कि ये हो सकता है,
अब बताओ और क्या चाहिए है भाई। 5 दिन बाद यदि आप ही बोल दो कि हाँ ये पॉसिबल है तो कैसा रहेगा? तो क्या समझ में आया? हमारी सारी लड़ाई किस बात की है? इधर वाले, हमारे सारे प्रयास किधर वाले हैं? इधर वाले। नहीं ठीक होगा तो व्यक्ति से जूझने का फायदा नहीं है। पति खराब है, पत्नी खराब है, सास खराब है, वो नहीं है, सबका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है। क्या मान के जी रहे हम? जिंदा रहने को जीना मान के जी रहे, जबकि जीना बिल्कुल अलग दुनिया है। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता। जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता, छूता भी नहीं है, टच भी नहीं करता। अब क्या करो? उसके सिवा हमारी कोई दुनिया नहीं है, इसलिए सारी जिंदगी के बाद फिर वही खाली था। कभी लगता है बच्चे हो जाएं, कभी लगता है बच्चे आ जाएं घर में तो बच्चे की किलकारी गूंज जाएगी, घर खुशियों से भर जाएगा। कोई दिन सोचते हैं कैसे घर से जाए ट्वेल्थ करके तो घर में हम जीना शुरू करें। तो उसका आना भी एक घटना है, उसका जाना भी एक घटना है। ना उसका आना सुख है, ना उसका जाना सुख है। ये घटनाएं हम सबके घरों में घटी, खूब देख लीजिए। ऐसे तमाम लोग हमारे बीच में उपलब्ध हैं, जितना पैसा वो कमाने के नहीं सोचे थे उससे ज्यादा पैसा कमाए, जैसा अपने बच्चों को सेटल होता हुआ देखना चाहते थे बच्चे उससे अच्छा सेटल हो गए, फिर भी जिंदगी में खाली पड़े। पहला दिन है तो इस पे सोचिए।